हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. ऑल आर फाइन? ओके. विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. अब नया साल शुरू हो गया ना, है ना? और हमारे हॉलीडेज थे तो हमारे लिए तो आज ही साल का पहला दिन है ना. न्यू ईयर का फर्स्ट डे है ना आज. और कौन सा ईयर शुरू हो गया अब? 2021. और फर्स्ट मंथ का नाम क्या है? जनवरी. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? महीनों के नाम सीखेंगे. ओके, चलिए हेडिंग लिखिए. म ही नो के नाम लिखिए. महीनों के नाम लिखिए. तो महीनों के नाम हमने पहले भी सीखे थे. वो हमने सीखे थे जनवरी से लेकर जून तक. आज हम दिसंबर तक लिखेंगे. ठीक है, चलिए विषय लिख लेते हैं. विषय क्या है हमारा? हिंदी. और दिनांक? चार जनवरी 2021. ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं. नंबर एक पे कौन सा महीना है? ज न व जनवरी. नंबर दो, फ र व री फरवरी. इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? फेब्रवरी. नंबर तीन, रेफ वाला रीडीसी. ठीक है, मार्च. नंबर चार, ये प प के नीचे पदेन वाला रीडीसी. ठीक है, ये पैरों में लगा तो आई ल अप्रैल. ठीक है, मैं इसको हेडलाइन दे देती हूँ. नंबर पांच, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई. इंग्लिश में मे बोलते हैं इसको, MAY मे. नंबर छः, जू न जून. ठीक है, ये छह तक तो हम पहले भी सीख चुके हैं. हमारे मिड टर्म के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून. आज हम जुलाई से दिसंबर भी सीखेंगे. ठीक है, तो नंबर सात पे क्या लिखेंगे? जो ला ई जुलाई.
ये जल्दी से बोला जाएगा क्योंकि ये आधा है ना सर। अगस्त आपको आधे अक्षरों की रीडिंग मैम ने सिखाई थी ना छुट्टियों से पहले। इसके बाद है अगस्त के बाद सी त आधा म ब र सितंबर। अगर आप इसको आधा म नहीं लिखे तो त के ऊपर डॉट भी हम लगा सकते हैं तम बर ऐसे। सितंबर के बाद नंबर 10 है हमारा इंग्लिश में इसको अक्टूबर बोलते हैं। हिंदी में भी कई अक्टूबर भी लिख देते हैं लेकिन सही शब्द जो होता है वो अक्टूबर होता है। अक्टूबर अक्टूबर। इसके बाद है नंबर 11। अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर। न व नवंबर ठीक है। और लास्ट मंथ क्या होता है साल का आखिरी महीना दिसंबर। अभी गया ना दिसंबर तो नंबर 12 पे क्या आएगा दे स दिसंबर ठीक है। तो आज हमने महीनों के नाम लिखे। महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं ठीक है। तो हम मेन क्या सीखेंगे यार जुलाई से दिसंबर। तो इसकी फिर से रीडिंग करेंगे एक बार। जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर। सितंबर कितने नंबर पे आया 9 पे। फिर 10 पे क्या आया अक्टूबर। उसके बाद क्या आया अक्टूबर के बाद नंबर 11। हमने 10 तक गिनती सीखी है ना। 11 और 12 हमें लिखना नहीं आता लेकिन हम नंबर्स में लिखेंगे डिजिट्स में उसको ठीक है। 11 पे क्या आया न नवंबर। और नंबर 12 पे लास्ट मंथ क्या है दिसंबर। दिसंबर ठीक है। तो ये हमारे क्या थे आज के महीनों के नाम। कहाँ से कहाँ तक सीखे हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक ठीक है। पहले 6 हम पहले भी कर चुके हैं। आज हमने 7 से 12 भी सीखे हैं। तो हमारे हो गए 1 से लेकर 12 तक 1 से लेकर 12 तक जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीनों के 12 महीनों के नाम सीखे ना हमने ठीक है। तो इंग्लिश में तो हम पहले ही सीख चुके हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आज हमने हिंदी में भी सीखे हैं ओके। सारे बच्चे इसको अच्छे से लर्न करेंगे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और मैम को भेजेंगे ओके।